हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमजी वासनजी की नॉवेल द बुक ऑफ सीक्रेट्स की समरी। सो दिस इज़ पार्ट टू, जो कि होगा स्टोरी बेस्ड एंड इसके डायस्पोरिक एलिमेंट्स पे भी फोकस करेंगे। पार्ट वन में मैंने इस नॉवेल का इंट्रोडक्शन दिया है, इसके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स क्या हैं, किस तरह से इस नॉवेल को समझना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब बहुत डिटेल से मैंने बताया है। तो दोनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड पार्ट वन आपके लिए क्रिटिकल एनालिसिस का भी काम करेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एंड ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है, इसमें लीनियर नैरेटिव नहीं है। तो इसके जिससे इवेंट्स आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, उन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ओके। तो नॉवल की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक डायरी के साथ। डायरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इस डायरी को एनालाइज करना है ये मैंने पार्ट वन में बताया है। तो डायरी जो है वो एक कॉलोनियल ऑफिसर की होती है, ओके। अब सबसे पहले हमारे पास आता है नॉवल में प्रोलोग। प्रोलोग में हमें बताया जाता है कि ये जो नॉवल है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, बेसिकली इस नॉवल में क्या है, ठीक है। तो प्रोलोग में हमारा इंट्रोडक्शन होता है इस नॉवल के नरेटर पायस फर्नांडिस से। पायस फर्नांडिस जो है वो एक रिटायर स्कूल टीचर हैं, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं एंड रिटायरमेंट के बाद इनकी कंडीशन ख़राब होती है। कभी ना कभी कोई ना कोई आके इनकी हेल्प करता है किसी ना किसी वे में, ठीक है। तो एक बार इनकी मुलाकात होती है फिरोज़ नाम के स्टूडेंट से एंड फिरोज़ उन्हें अपने साथ ले आता है और उन्हें एक रहने की जगह देता है। तो जहाँ पे पायस फर्नांडिस अब रह रहे होते हैं उस जगह का नाम होता है आमीन मैंशन, ओके। तो ये आमीन मैंशन, ये जो घर है, इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बिल्कुल बाद में बताऊँगी। अब फिरोज़ जो है वो एक शॉप के ओनर भी हैं। फिरोज़ को एक दिन अपनी शॉप से एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है। ये वही डायरी है जो इस पूरी नॉवल का बेसिस बनती है, ठीक है। तो वो डायरी को लेके पहुंच जाते हैं अपने सर के पास और सर को वो क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड कैन यू राइट इट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि इस पूरी नॉवल में इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ अपने आंसर में लिख सकते हैं कि अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिरोज़ ने अपने सर से पूछा था सर व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड कैन यू राइट इट, ठीक है। इसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसका जो हिस्ट्री का रिलेवेंस है इस नॉवल में। अभी हम सिर्फ स्टोरी पे ध्यान देते हैं। तो अब पायस फर्नांडिस उस डायरी को लेते हैं एंड वो उसको पढ़ते हैं। अब 1913 से लेकर 1914 तक के इवेंट्स उस डायरी में कवर्ड होते हैं। तो इस एक साल के पीरियड में उसमें एक स्टोरी स्टार्ट होती है जो इनकम्प्लीट रह जाती है क्योंकि वो डायरी अचानक से ब्लैंक हो जाती है। तो पायस फर्नांडिस का उसमें क्यूरियोसिटी जाग जाती है एंड वो डिसाइड करता है कि वो इस डायरी की स्टोरी को, इस डायरी की हिस्ट्री को दोबारा से लिखेगा एंड उसको कंप्लीट करेगा। तो वो अपना हिस्ट्री लिखने का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली ये जो नॉवल है ये पायस फर्नांडिस का यही हिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट है कि उसने इस नॉवल डायरी को यूज़ करके एक स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सब हमें प्रोलोग में पता चल गया। अब स्टार्ट होती है एक्चुअल स्टोरी, या हम कह सकते हैं इस डायरी की स्टोरी। तो सबसे पहले एल्फ्रेड कॉर्बिन नाम का एक कॉलोनियल ऑफिसर आता है केन्या के किकोनो शहर में। अब वहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई है एज अ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अब ये जो केन्या है ये उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी। इसके अलावा आप ये जान लीजिए साइड वाला एक कंट्री है तंजानिया, वो उस टाइम पे जर्मन कॉलोनी थी। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि 1914 में आगे चलकर वर्ल्ड वॉर वन होगा एंड इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। तो अब जो कॉर्बिन है वो आए हैं केन्या में, केन्या के किकोनो शहर में। अब ये जो कॉर्बिन है ये बिल्कुल नए नए आए हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज ए कॉलोनाइज़र का। तो ये दिल के बहुत ही अच्छे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब हम ये नहीं कहना चाह रही कि जो सारे कॉलोनाइज़र्स थे वो बुरे होते थे या कुछ भी, बट जो ये कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था, हमें पता है अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनीज़ बनाया था एंड वहाँ पे वो लोग वहाँ के लोगों को, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करते थे। तो वो लोग उन पे एट्रोसिटीज़ भी करते थे। तो हम
एक जनरल ओपिनियन रहता है कि जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो बहुत ही क्रूअल होते हैं, ब्रूटल होते हैं, बट ये जो कॉर्बिन है ये अभी नए नए आए हैं, इन्हें कॉलोनाइज़र होने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बहुत ही काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं किकोनो में, उनके टूवर्ड्स। वहाँ किकोनो शहर जो है उसमें मेन जो लोग रह रहे हैं वो होते हैं शामसी मुस्लिम कम्युनिटी से। अब यहाँ पे इस कम्युनिटी को जानना ज़रूरी है, ये जो शामसी मुस्लिम कम्युनिटी है ये बेसिकली इंडियंस हैं, ये इंडियन डायस्पोरा है जो अफ्रीका में आया हुआ है। तो उसने अपनी डायरी में बताया है कि ये जो शामसीज थे ये बहुत ही मिलजुल के रहने वाले लोग थे, आपस में ये बाइंडेड थे, टाइटली निट कम्युनिटी थी इनकी, और ये अपने ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को फॉलो करते थे। जो भी इनके पुराने ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, फेस्टिवल्स थे जो ये इंडिया में मनाते थे, उन्हें एज इट इज़ इन्होंने अफ्रीका में भी मेंटेन कर रखा था। एंड ये ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, तो एक तरह से ये फाइनेंशियली तो ठीक थे ही नेटिव्स के कंपैरिजन में, और ये लोग टैक्स पेयर्स भी थे, तो इनके ब्रिटिशर्स के साथ जो कनेक्शंस थे, जो लिंक था वो अच्छा था, लॉयल थे ये ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स, एंड ब्रिटिशर्स भी फिर इनको बदले में हेल्प करते थे। तो एक बहुत ही म्यूचुअल रिलेशन था इन दोनों ब्रिटिशर्स के और शामसी कम्युनिटी के बीच में। तो कॉर्बिन जो है वो भी इस कम्युनिटी को समझने की कोशिश करता है, वो उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करता है कि इस तरह से उन्होंने दूसरे देश से आके यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रखा था, वो सब चीज़ जानने की कोशिश करता है। तो कॉर्बिन को भी वो अपने अपने फेस्टिविटीज़ में इनवाइट करते हैं। तो ऐसी ही एक सेलिब्रेशन के दौरान कॉर्बिन की मुलाकात होती है मरियमू से, मुलाकात इन द सेंस वो सिर्फ उसे देखता है, वो कोई बातचीत नहीं होती है। तो एक फेस्टिविटी में मरियमू और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती हैं, एंड कॉर्बिन की नज़र पड़ती है, वो बाकी सारी लड़कियों से बहुत अलग होती है, एंड उसी टाइम पे कॉर्बिन की क्यूरियोसिटी जागती है उस लड़की में, तो नाम है उसका मरियमू। ओके, तो नेक्स्ट वो मरियमू को एक बार एक एग्जॉर्सिज्म मतलब झाड़ फूंक से भी बचाता है। तो उसके बाद जो मुखी जमाली है वो मरियमू का अंकल है और उन सारे शामसीज का हेड भी है, वो मरियमू को लेके कॉर्बिन के पास जाता है और कहता है कि इसे आप एज अ हाउसकीपर रख लीजिए। तो मरियमू कॉर्बिन के यहाँ पर एज अ हाउसकीपर काम करना स्टार्ट करती है। फिर उस दौरान उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, एंड वो अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। तो मरियमू देखती थी कि कॉर्बिन जो है किसी बुक में वो कुछ लिखता रहता था, तो उसकी उसमें एक क्यूरियोसिटी जागती है कि ये क्या लिखता रहता है, वो बेसिकली यही डायरी थी। तो कॉर्बिन अपनी डायरी लिखता था, तो मरियमू जो है वो नेटिव अफ्रीका की है, उसे इंग्लिश नहीं आती, ना उसे वो पढ़ना आता, ना उसे पता है कि वो डायरी होता है एंड उसे डेली बेसिस पे लिखा जाता है। तो एक बार कॉर्बिन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में भी लिखा है इसमें, तो उसकी और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाती है। ठीक है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब मरियमू की डेथ होती है तो उसके पास से ये कॉर्बिन की डायरी मिलती है। ठीक है, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी उस डायरी को लेके पहले से ही। अब एक बार कॉर्बिन को बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, एंड मरियमू उसकी हेल्प करती है एंड वो ठीक हो जाता है। फिर तो इस दौरान बताया गया है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप का एज इट इज़ कोई मेंशन नहीं है, बट वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, आप उसे इमोशनली कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मरियमू की हो जाती है शादी, एंड वो कॉर्बिन के यहाँ पर वर्क करना बंद कर देती है। मरियमू की शादी होती है पीपा से, पीपा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंड हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जो नॉवल है ये पीपा की ही कहानी है, एंड पीपा यहाँ पर एक मेजर डायस्पोरिक एलिमेंट भी है। ठीक है, अगर डायस्पोरा को समझना है तो हम पीपा के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप नाम देखिए, पीपा बहुत अजीब सा नाम है, पीपा कोई नाम नहीं होता, हम एक तेल का कंटेनर होता है उसे पीपा कहते हैं, है ना। तो इसका नाम ये इसलिए रखा गया, मतलब बेसिकली टीज करने के लिए था। पीपा बिलोंग करता था मोशी टाउन से, ठीक है, मोशी था उसके होम टाउन का नाम, एंड वहाँ पे उसके जो लोग थे नेबरहुड के, उन्होंने इसका नाम पीपा रखा था। तो इसकी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं थी, उसको ऐसे ही चिढ़ाने के लिए नाम रखा गया था। तो उसने इसी इंसल्ट से बचने के लिए, शेम से बचने के लिए, उसने उस टाउन को छोड़ दिया था।
तो ये पूरी नॉवल में एक रेस्टलेस और होमलेस कैरेक्टर दिखाया गया है, जिस तरह से डायस्पोरा होते हैं, ठीक है, अपने कंट्री को छोड़ने के बाद वो भी रेस्टलेस घूमते रहते हैं एक होम की तलाश में, कहीं पे वो सेटल होने की एक वो रहती है उनके अंदर, ठीक है, वो होम वाली फीलिंग चाहिए होती है ना। तो ये एक डायस्पोरा का एग्जाम्पल है। तो पीपा जो है उनको लास्ट में फाइनली एक जगह पर घर मिलता है दार एस सलाम में, एंड वहीं पे उनकी फिर डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अब दोबारा से हम स्टोरी पे आ जाते हैं, पीपा को मैंने बता दिया। तो मारियमू की शादी हो गई है पीपा से। पीपा जो है उनको पता चलता है पहली रात को कि उनकी जो वाइफ है वो वर्जिन नहीं है, ठीक है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है तो उनको शक जाता है कि ये कॉर्बिन ने इस मरियम को डिफ्लावर किया है। अब पीपा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। इसके बाद की जो एंट्रीज़ हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाता है। अब जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि दो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, केन्या और तंजानिया, उन दोनों के बीच में भी वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब इस वॉर के बीच में फंस जाता है पीपा। पीपा क्यों फंस जाता है? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम आया था कि कोनों में अपने रिश्ते की बात करने के लिए, उस टाइम पे कॉर्बिन ने देख लिया था कि पीपा जो है वो जर्मन्स का जासूस है। तो उसको पता चल गया था कि ये जो पीपा है ये जासूसी कर रहा है जर्मन्स के लिए, एंड उसने उसको एक दिन के लिए कस्टडी में भी ले लिया था। अब जब वॉर स्टार्ट होता है तो पीपा जो है उसको कॉर्बिन ब्लैकमेल करता है कि अब तुमको ब्रिटिशर्स के लिए जासूसी करनी होगी। तो पीपा जो है वो पूरे टाइम इस वॉर में फंसा रह जाता है, एंड वो जासूसी करने में ही निकल जाता है। अब जब वो वॉर के बाद वापस आता है अपने घर तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मारियमू का रेप और मर्डर हो गया है। तो वॉर के दौरान उसका एक बेटा भी बॉर्न होता है जो थोड़ा सा फेयर होता है, एंड उसकी आइज़ का कलर भी लाइट होता है। तो उसको दोबारा से शक होता है कि ये कॉर्बिन का बेटा है। एंड जब मरियमों की डेथ होती है तो उसके पास से कॉर्बिन की वो डायरी भी मिलती है। तो पीपा को लगता है कि शायद इसी बुक में उसको उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सबसे पहले कि मारियमू का मर्डर किसने किया, या फिर उसका जो बेटा है अली अकबर अली वो एक्चुअली किसका बेटा है। तो वो उस डायरी को अपने पास संभाल के रख लेता है, ठीक है। एंड मरियमू की जब डेथ हो जाती है तो वो उसके बाद एक श्राइन बना लेता है उसके लिए, एंड वो उसकी पूजा करता है। उसको ऐसा लगता है कि मारियमू की स्पिरिट आकर उससे बात कर रही है। अब मारियमू की डेथ के बाद वो अपने बेटे को भी मुखी और खानुम के पास छोड़ देता है उनकी केयर में, और वो खुद से शादी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है। अब मुखी की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद पीपा अली अकबर अली को वापस ले आता है। अब पीपा ने अपने घर में मारियमू के लिए जो श्राइन बना ही रखा था, और डायरी भी उसने वहीं रख रखी थी, तो वो आके अली को उसकी मम्मा के बारे में भी बताता है, एंड फर्स्ट टाइम उसे अली को अपने मदर के बारे में पता चलता है। वो अली से पढ़ना भी सीखता है ताकि वो उस डायरी को पढ़ सके, लेकिन वो सिर्फ इतना ही पढ़ पाता है कि वो मारियमू का जो नाम है उस डायरी में लोकेट कर सके। अब जो पीपा है वो ज़िंदगी भर भटकने के बाद फाइनली सेटल होता है दार ए सलाम में, एंड उसको अपना घर मिल जाता है वहाँ पे। बट 1961 में जब तंजानिया इंडिपेंडेंट होता है और वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट आती है तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ को नेशनलाइज कर देती है, मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चली जाती हैं गवर्नमेंट के पास। अब पीपा जो है वो अपना घर और अपनी शॉप को खो देता है, एंड फाइनली वो मर जाता है। अब जो हमने बताया था आमीन मैंशन जिसमें पायस फर्नांडिस रह रहा होता है उस टाइम पे, वो बेसिकली पीपा का ही घर था जिसे उसने अपने दूसरे बेटे आमीन के नाम पे रखा था, ठीक है। तो इस तरह से पायस को भी पता चलता है कि वो उसी जगह पर रह रहा है। अब ये जो हुआ था नेशनलाइजेशन हुआ, लोगों ने अपने घर और शॉप्स को लूज़ कर दिया, तो इस दौरान बहुत सारे जो वहाँ पे इंडियंस रह रहे थे वो सेकेंड टाइम भी माइग्रेट करते हैं, तो ये सेकेंड टाइम माइग्रेशन का कारण बनता है। तो वासनजी जो हैं नॉवल के जो ऑथर हैं उन्होंने भी अपने लाइफ में सेकेंड टाइम माइग्रेट किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑथर के लाइफ के रेफरेंस हमें नॉवल में भी देखने को मिल रहे हैं।
अब अली अकबर अली जो है वो जब बड़ा होता है तो वो एक जॉब ढूंढता है एंड उसकी शादी हो जाती है अपने ही ओनर की बेटी से। वो थोड़ी डार्क होती है लेकिन वो उससे शादी करता है और वो रिच हो जाता है। लेकिन उसकी वाइफ पे कोई बच्चा नहीं होता, तो उसके बाद वो एक लड़की रीटा होती है उसके साथ वो भाग जाता है लंदन। अब वहाँ पे वो कुछ टाइम रहते हैं साथ में, बट फिर अली को दोबारा एक लड़की रोजिटा से प्यार हो जाता है एंड वो रीटा को भी छोड़ देता है। अब रीटा के साथ क्या कनेक्शन है इस नॉवल का, ये हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे क्योंकि उसी के साथ ये नॉवल ख़त्म भी हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रॉबर्ट ग्रेगरी। अब रॉबर्ट ग्रेगरी जो हैं वो पायस फर्नांडिस के कलीग होते हैं और वो कॉर्बिन और उसकी वाइफ को भी जानता था। तो कॉर्बिन और उसकी वाइफ अक्सर रॉबर्ट ग्रेगरी को लेटर्स लिखते थे जब सब कुछ हो जाता है एंड इंडिपेंडेंस के बाद। तो जो कॉर्बिन एंड उसकी वाइफ है वो फाइनली लंदन में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अली अकबर अली से मिलते हैं क्योंकि अली अकबर अली भी रीटा के साथ लंदन भाग जाता है। तो वहाँ पे वो अली से मिलते हैं, तो ये चीज़ वो अपने फ्रेंड रॉबर्ट ग्रेगरी को भी बताते हैं। तो रॉबर्ट ग्रेगरी के पास लेटर्स होते हैं जो उन्हें कॉर्बिन और उसकी वाइफ से मिले थे, तो उसमें अली का रेफरेंस होता है। तो ये जो लेटर्स हैं वो इन सारों को सारे लेटर्स को पायस को दे देता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेगरी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा ग्रेगरी डायस्पोरा का भी एग्जांपल बनते हैं क्योंकि जब तंजानिया इंडिपेंडेंट होता है तो उस टाइम पे रॉबर्ट ग्रेगरी जो एक्चुअली में ब्रिटिशर होते हैं वो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट गिव अप कर देते हैं एंड वो अफ्रीका में ही सेटल हो जाते हैं। तो एक जो सीक्रेट इस नॉवेल का है वो है पायस की सेक्सुअलिटी। तो बेसिकली पायस और रॉबर्ट के बीच में एक रिलेशन जो है वो अनसॉल्व मिस्ट्री है, तो इसीलिए ये कैरेक्टर को भी समझना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब रीटा पे आ जाते हैं। तो रीटा के बारे में जब पायस फर्नांडिस को पता चलता है कि वो अली अकबर अली की वाइफ थी, तो वो उससे मिलना चाहता है कि वो अब जो डायरी है उसमें तो उसे कोई आंसर मिला नहीं है कि अली अकबर अली किसका बेटा है, तो वो जानना चाहता है एंड वो रीटा से मिलना चाहता है। एक्चुअली में क्या था, रीटा जो थी वो पायस फर्नांडिस की भी एक पुरानी स्टूडेंट थी। तो पायस रीटा के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड था, ठीक है, अनरिक्वेस्टेड लव रहता है ये। तो पायस को पता चलता है एंड फिरोज़ जो है वो उन दोनों की मीटिंग फिक्स करा देता है। अब जब वो मिलते हैं तो वो उसे बताता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि वो हिस्ट्री लिख रहा है, वो डायरी को लिख रहा है एंड वो अली अकबर अली के बारे में लिख रहा है। तो रीटा कहती है कि वो उसे सब बता देगी लेकिन बदले में उसे अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसे एंड करना होगा, इसे यहीं पे स्टॉप करना होगा एंड जो वो जिसने जो भी चीज़ें कलेक्ट की हैं डायरी हो लेटर्स हो वो सब उसे उसे वापस करने होंगे और अपना मुंह भी बंद रखना होगा। ठीक है, कि मतलब वो ये चीज़ किसी को नहीं बताएगा। अब पायस स्टोरी नरेट कर रहा है, हम देख रहे हैं कि वो इस नॉवेल डायरी की स्टोरी को नरेट कर रहा है, लेकिन रीटा का आर्ग्यूमेंट है कि हमें उसे फॉरगेट कर लेना चाहिए। तो रीटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है कि आप किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हो एंड वो सजेस्ट करती है कि आपको पास्ट की बजाय फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये नॉवेल स्टॉप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि वो पायस जो है वो अपने इस प्रोजेक्ट को गिव अप कर देते हैं एंड रीटा उसको बता देती है। हमें कोई भी पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में क्या था। तो बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जैसे कि मारियमू, फर्स्टली मारियमू का किसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे थे, मारियमू को किसने मारा, किसने उसका रेप किया, अली अकबर अली किसका बेटा है, पायस फर्नांडिस की सेक्सुअलिटी। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अनसॉल्व रह जाते हैं, ये मिस्ट्री ही रह जाते हैं, सीक्रेट्स रह जाते हैं, इसीलिए इस नॉवल का नाम बुक ऑफ सीक्रेट्स रखा गया है। ठीक है, एंड अब हम थोड़ा सा डायस्पोरा पर्सपेक्टिव जान लेते हैं इसका। सबसे पहले जो पायस फर्नांडिस हैं यहाँ पर वो खुद एक डायस्पोरा हैं, वो इंडिया से थे एंड अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से वो इंडिया छोड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। पीपा मैंने बताया है वो मेजर डायस्पोरा का एलिमेंट है यहाँ पर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे उन्होंने अपना होम टाउन छोड़ा था
किसी भी रीज़न से उन्होंने वहाँ पे शेम से बचने के लिए छोड़ा। तो डायस्पोराज जो होते हैं वो भी किसी रीज़न से अपना घर छोड़ते हैं एंड फिर वो एक घर की तलाश में भटकते रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता हम कहते हैं कि इन्होंने यहाँ इंडिया छोड़ा एंड वो किसी और कंट्री में जाके बस गए, ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें वहाँ पर एक होम मिले। कई लोग होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पर, बट उन्हें वो होम वाली फीलिंग नहीं आती है, वो होम के लिए एक नॉस्टैल्जिया रह जाता है। तो ऐसी ही पीपा हैं, वो यहाँ पर भटकते रहते हैं बट उनको एक होम वाली फीलिंग नहीं आती है। लास्ट में उनको दारुसलाम में होम वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है, उनको होम मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे उसको एक एक्सेप्टेंस मिलती है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो होम का कॉन्सेप्ट है ये साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। होम का लेना देना नहीं होता है आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से, जहाँ पे आप बॉर्न हुए हैं वही आपका होम नहीं होता है। होम कैन बी एनीवेयर एंड जहाँ पे भी आप एक्सेप्टेड फील करें या फिर जहाँ पे आपको होम वाली फीलिंग आए, ठीक है। इस तरह से रॉबर्ट ग्रेगरी भी जो हैं उनको अपने होम वाली फीलिंग अफ्रीका में फील हुई तो उन्होंने अपने जो ब्रिटिश सिटीजनशिप थी उसको रिनाउंस कर दिया। अब एक और कैरेक्टर जो हैं अली अकबर अली, ये बन जाते हैं सेकेंड जनरेशन डायस्पोरा का एग्ज़ाम्पल। तो सेकेंड जनरेशन के जो डायस्पोराज होते हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स हैं उन्होंने माइग्रेट किया एंड फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को बताते हैं, इंडिया की स्टोरीज सुना रहे हैं, तो जो सेकेंड जनरेशन डायस्पोरा होते हैं वो स्टोरीज़ के ज़रिए, अपने पेरेंट्स के नरेशंस के ज़रिए उस होमलैंड को फील करते हैं जो उन्होंने कभी देखा नहीं होता है शायद। तो अली अकबर अली जो है वो भी सेकेंड जनरेशन डायस्पोरा है एंड उसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है अपने पास्ट के बारे में, उसकी मदर के बारे में भी, उसकी जो दादी नानी जो भी है उसको सब कुछ पता चलता है स्टोरीज़ के ज़रिए, उसने कभी देखा नहीं होता है अपनी मम्मा को, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग वो कर सकते हैं। और अली अकबर अली दिखाता है पोस्ट कॉलोनियल जैसे सन है वो, अब कॉलोनाइजर्स जो आए, अब यहाँ पे एक सस्पेंस है कि वो फेयर है तो मतलब वो कॉलोनाइजर्स मतलब मेनली कॉर्बिन का ही उसके साथ कोई रिलेशन रहा होगा मरियमों के साथ। तो इस तरह से बहुत सारी जो विमेंस थी कॉलोनाइजेशन के बाद उनके बच्चे बॉर्न होते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके जो फादर होते हैं मेनली वो होते हैं कॉलोनाइजर्स, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अनआइडेंटिफाइड रह जाती है क्योंकि कई बार ऐसे होता है किसी ने किसी का रेप किया है यहाँ पे, अब इंडिया आज़ाद हो गया, फादर उनके चले गए वापस और वो बच्चा बॉर्न होता है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसे नहीं पता होता उसका फादर कौन है। इसी तरह से अली अकबर अली भी है, ये एक पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हिस्ट्री का था, हिस्ट्री का मैंने बताया शुरुआत ही है, करते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ हिस्ट्री से। तो यहाँ पे हमने देखा कि पायस फर्नांडिस जो हैं वो एक डायरी की हेल्प से पूरी कहानी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगह जगह से फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं, कभी वो लोगों से पूछते हैं, कभी वो ग्रेगरी से लेटर्स मांग रहे हैं, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को कुछ अपनी इमेजिनेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री लिखने में। तो कहाँ तक हिस्ट्री जो है वो रिलायबल होती है ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही नॉवल है एंड ये डील करती है मेनली डायस्पोरा के साथ एंड इसके जो हिस्ट्री के साथ रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्ट्रीज़ हैं इसमें अनसॉल्व रह गई हैं, मारियमो को किसने मारा, अली किसका बेटा है, पायस की सेक्सुअलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वॉज इट, तो ये थी बुक ऑफ सीक्रेट्स एंड आई रियली होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होगी एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड हाँ, लास्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ का लिंक भी दूंगी, तो वो जो पीडीएफ है मुझे वो बहुत ज़्यादा ईजी लगा एंड काफ़ी जो मैंने कंटेंट है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में वो मैंने वहीं से लिया है। तो वो बहुत ही ईजी सा एसे है एंड उसे आप पढ़िएगा, आपके लिए एक सफिशिएंट मटेरियल होगा वो अपने एग्जामिनेशन के लिए। ओके, आई नो इस नॉवल से रिलेटेड ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इट्स रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल।
So that's it. Thank you guys.